नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus Nord से 5G वर्सेस Samsung Galaxy M42 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Nord से 5G में 6.27 इंच जबकि Galaxy M42 5G में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Nord से 5G में 2.89 इंच जबकि Galaxy M42 5G में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Nord से 5G में 0.31 इंच जबकि Galaxy M42 5G में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Nord से 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Nord से 5G में 170 ग्राम जबकि Galaxy M42 5G में 193 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Nord से 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Nord से 5G में फ्लूइड AMOLED जबकि Galaxy M42 5G में सुपर AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Nord से 5G में 6.43 इंचेस जबकि Galaxy M42 5G में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Nord से 5G में 1080x2400 और Galaxy M42 5G में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Nord से 5G में 85.31% जबकि Galaxy M42 5G में 84.28% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Nord से 5G में 409 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Galaxy M42 5G में 266 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Nord से 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और गैलेक्सी M42 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Nord से 5G में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy M42 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Nord से 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Galaxy M42 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 8 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही Adreno 619 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही Qualcomm Snapdragon 750G मिलता है। बात करें RAM की तो Nord से 5G में 8GB जबकि Galaxy M42 5G में 6GB मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Nord से 5G में नहीं है जबकि Galaxy M42 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Nord से 5G में 4500 mAh जबकि Galaxy M42 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Nord से 5G में 3 कलर्स जबकि Galaxy M42 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Nord से 5G की 24,999 रुपीस जबकि Galaxy M42 5G की
21,950 रुपीस प्राइस देखने को मिलती है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो दोनों फोन में 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में नॉर्ड से 5G आगे है, मेन कैमरा में नॉर्ड से 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है, इंटरनल मेमोरी में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Mi 10 आए है जो कि 23,978 रुपए में मिलता है। दूसरा Samsung Galaxy F62 है जो कि 18,499 रुपए में मिलता है। तीसरा OnePlus 9R है जो कि 39,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M42 5G है जो कि 23,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।